हेलो गाइस, कैसे सब लोग? लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड के एक और नए एपिसोड पे स्वागत है फिर से एक बार आप लोग का। लास्ट एपिसोड हम लोगों ने नेड्रा को देखा था और उसके अलावा हम लोगों ने स्टेसिस का अपग्रेड किया था। अगर नहीं देखा है प्रीवियस एपिसोड तो प्लीज जाके देखो और फिर ये वाला एपिसोड देखो। अब आज के एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे? आज के एपिसोड में कुछ खास स्टोरी के हिसाब से नहीं करना है, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है बिफोर वी गो टू द कोरोक फॉरेस्ट, जहाँ पे है मास्टर स्पोर्ट जो हमको लेनी है। सो दैट्स अबाउट इट। आज के एपिसोड में हम लोग पहली चीज करने वाले हैं ये हार्ट शेप वाला लेक। आई डोंट नो वहाँ पे क्या है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है वहाँ पे। तो लेट्स गो एंड सी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके गाइस, हम लोग इधर तो आ गए। अब रेस्टलेस क्रिकेट है। ओ हेलो, ये कौन है भैया? क्या कर रहे हो तुम इधर अकेले अकेले ऐसे टूटे हुए शेप के हार्ट के साथ, मतलब लेक के साथ, हार्ट वाले शेप के लेक के साथ? यू हेयर टू मीट योर सोलमेट टू? हाँ, हे डोंट बी शाय, आई एम हियर फॉर द सेम रीजन आफ्टर ऑल। व्हाई एल्स वुड एनीवन कम ऑल द वे आउट हियर? पता नहीं भाई, तू अकेले अकेले आ गया। टू बी ऑनेस्ट दो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम एंड वेल नोबडी शोन अप येट। तो फिर कौन आएगा इधर अकेले अकेले ऐसे पहाड़ के ऊपर इतनी मेहनत करके? कुछ लोग बहुत नवरे होते हैं लाइफ में। आई थॉट दिस वॉज द स्वीट हार्ट स्पॉन्ड एवरीवन टॉक्स अबाउट, बट मे बी आई एम इन द रॉन्ग प्लेस। आई डोंट नो माय फ्रेंड, आई डोंट नो, ये तो टूटा हुआ दिल है, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ स्वीट हार्ट स्पॉन्ड। ये शायद एक फ्रेंड जोन पॉन्ड हो सकता है। वेर इज दैट स्पेशल समवन आई बीन वेटिंग फॉर? इज दिस अ साइन? शुड आई पुट माई सेल्फ आउट देयर मोर? आई डोंट नो माई फ्रेंड, आई थिंक तुम गलत आ गए हो। ट्राई अनदर पॉन्ड। यू रियली थिंक दैट विल हेल्प? हाँ तो ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस मानस हूँ। वेर इज दैट स्पेशल समवन? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं इस बार। बिलीव इन योर सेल्फ। आर यू ट्राइंग टू चीयर मी अप? बिकॉज डोंट वरी अबाउट मी, माई मॉम ऑलवेज सेड यू कैन डू एनी थिंग यू पुट योर माइंड टू। मी मोस्ट Anyway, what about you? Putting your faith in some silly legend won't make the ladies come calling. You don't know me, my friend. You don't know me. तेरे को नहीं पता है मैं कौन हूँ। अगर पता होता तो ऐसी बातें नहीं करता, ऐसी बेहूदी बातें। But ये pond जो है ये काफ़ी interesting है, because exactly बीचों बीच ऐसे किसी ने तोड़ दिया है उसको। So पता नहीं किसने तोड़ा है, but that's very interesting. मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि एक और हार्ट शेप पॉन्ड कहीं पे और होना चाहिए जो एक पूरा हार्ट शेप है, यू नो, टूटा हुआ नहीं है। हो सकता है शायद हम लोग को मैप में चेक करना पड़ेगा, बट अभी के लिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप लोग को तो पता ही है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट मानुस हूँ और प्रो मानुस हूँ। तो आई विल सी यू गाइस एट द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके गाइस, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पे आया हूँ। ये जगह का नाम है लुरेलिन विलेज। यहाँ पे हर रात इंसान की बलि चढ़ती है। नहीं, मैं मजाक कर रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? मेरी हर बात मत सुनो आप लोग, ठीक है? तो लेट्स गो सी व्हाट दिस विलेज इज ऑल अबाउट। बहुत ही सुंदर विलेज है, एक ट्रॉपिकल बीच के किनारे पे है ये विलेज, तो बहुत ही सुंदर रहेगा। लेट्स सी व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। इसके पहले मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ, बिकॉज आई एम द ग्रेट लिंक, तो मुझे अपने ग्रेट कपड़े पहनने जरूरी है। ओके, अब चलते हैं। यहाँ पे कोई चल के आ रहा है, मतलब जा रहा है, तो लेट्स गो टॉक टू दिस चल के जा रहे हुए प्राणी। ओके, दैट डिडंट मेक सेंस। याहू, माय नेम इज स्पिंच, माय हॉर्स इज आल्सो स्पिंच। इज योर नेम स्पिंच टू? दैट बी एक्स्ट्रा क्रेजी। हियर इज अ टिप, पे क्लोज अटेंशन टू हाउ मच स्टैमिना योर हॉर्स हैज व्हेन यू आर राइडिंग इट रियली हार्ड। ओके माय फ्रेंड स्पिंच, थैंक यू फॉर द टिप। ओके ओके, मैं समझ गया। एक बार तुमने बताया मैं समझ गया, दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं है। लोग सिर पे चढ़ जाते हैं यार, बार बार बताते रहते एक ही चीज। एनीवे, लेट्स गो इनसाइड। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये, और आई थिंक म्यूजिक भी बहुत सुंदर है। आप लोग सुनो एक मिनट। दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट ज़ेल्डा गेम्स। हर एक ज़ेल्डा गेम में म्यूजिक बहुत ही अच्छा होता है, और जापानीज थीम का गेम है तो ऑब्वियसली जापान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है म्यूजिक के ऊपर। सो ओ भाई, ये इधर क्या कर रहा है इतना जल्दी? मैं इतना बातों में कॉन्सेंट्रेटेड था कि मैंने देखा ही नहीं ये चीज़।
बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ये दिस इज किल्टन की दुकान, जो मॉन्स्टर की दुकान है, वो एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो। मैंने ऑनेस्टली इतना जल्दी इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं देखूंगा वापस, बट इट्स गुड दैट ही इज हियर। देखते हैं इस बार इसके पास क्या है अपने को देने के लिए। लेट्स सी, लेट्स गो टॉक टू हिम एंड लेट्स सी। किल्टन, हेलो किल्टन, दिस स्मेल, इज इट अ हाइनॉक्स और परहैप्स oh, it's just you. Good evening. Can I help you with anything? Spend some mon. देखते हैं, you got only 2 mons, okay. मैं देख लेता हूँ उसके पास क्या है, अगर कुछ नहीं है, नहीं, सेम की सेम चीज़ है, there is no, nothing new. तो कुछ पॉइंट नहीं है कुछ भी सेल करने का, so maybe we can just go. Did you need anything else? Nay, goodbye. I hope to see you another monstrous night. Yes, my friend. It was good to see you. मेरे को अच्छा लगा ये इतनी जल्दी आ गया वो. But अब देखना है, so मुझे ऐसा लग रहा है कि ये Zora's Domain में एक बार देखा है इसको, इसको एक बार यहाँ पे देखा, so I don't think ये जगह पे ये वापस आएगा. So we just need to keep moving. अलग अलग गांव में जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आ गया ये. बट ठीक है, अब लूरेलिन विलेज में वापस चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आई थिंक रात के 3 बज रहे हैं, नहीं ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, सो पता नहीं कितने लोग जाग रहे होंगे, बट हम लोग ये म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं इधर और सुबह तक वेट कर सकते हैं बेसिकली, और क्रैब ले सकते हैं, यू नो, बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, बिकॉज यू नो वी आर अमेजिंग। एनीवे चलते आगे। By the way guys, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो अगर आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ अलग लग रही है तो आई एम रियली सॉरी, बट थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। एनीवे, लेट मी सी यू गाइस एट द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। लाइफ में कभी नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़े हो? अगर नहीं चढ़े तो मेरे को देख लो आज चढ़ते हुए, और ऑब्वियसली इसके ऊपर जाके हम लोग नारियल ही लेंगे, बिकॉज नारियल हमारे पॉकेट में फिट हो जाते हैं, 3 नारियल। Anyway, let's talk to this person. You a traveler? I'm a fisherman of this village, but we are in a bit of a bind lately. Kyun bhai, kya ho gaya? Iski daadi mast hai waise. Aur ye aankhein band karke kyun baat kar raha hai mere se? Aankhein kholna bhai. Anyway, monsters have taken over the best fishing spots. You used to be able to pull in a good haul at Aris Beach, but these days you'd be lucky to leave there with your life. You look pretty tough. Think you could go take care of them? Bhai, mere se hatta katta to tu lag raha hai. Why don't you do it? Believe me, I'd love to, but I have a family to look after. I can't be risking my life. If I had it my way, I'd be out there skewering those monsters with this harpoon. Phek raha hai badi badi. Let's see. So how about it? You're going to deal with the monsters that look over at his beach. Consider it done. Good stuff. खुश हो गया ये कुत्ता, ऐसे ही साइड में बातें सुन रहा है अपनी। Remember, it's called Aris Beach. The monsters have set up shop there. Stay sharp. Okay, my friend. तू तो कुछ काम करेगा नहीं तो मेरे को ही करना पड़ेगा। Let's go see Aris. हाँ ये रहा Aris Beach, थोड़ा सा दूर है but manageable. It's fine. Take back the sea. Side quest है, ठीक है। You know what? इन लोग को साइड क्वेस्ट के साथ में बताना चाहिए कि उसका रिवॉर्ड क्या है, बिकॉज ऐसे पता चलेगी ये इतना मेहनत करके अगर एक एम्बर या एक ओपल मिलना है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ इसके पीछे। हाँ, सो इन लोग को बताना चाहिए, मैं लिखूँगा निंटेंडो को, लिखूँगा ये चीज़, बात करूँगा इन लोगों से, मेरी बात मानते हैं वो लोग, बिकॉज आई एम अ प्रो प्लेयर। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं जानता, मेरे को लात मार के फेंक देंगे वो लोग। पता चला अभी कमेंट्स में कोई लिखेगा कि भाई तेरी पहचान है तो पहचान करवा दे मेरी। फिशरमैन्स शील्ड, ओके, बहुत स्ट्रांग नहीं है पर कहाँ पे लकी है, घर के नीचे, और मैं भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ घर के नीचे। लेट्स गो आउटसाइड, लोगों से बात करते हैं, बिकॉज सुबह हो गई तो आई थिंक सब लोग उठ गए होंगे, तो लेट्स गो। ये नीचे खाली हार्टी ट्रफल्स रखे वो मैं ले लूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये आदमी आ रहा है अंदर से, हेलो, हे सर, हैवंट सीन यू अराउंड, यू साइट सीइंग? क्या बात कर रहा है यार, मैं काम करने आया इधर। I see. There have been lot of visitors to this village lately. They've come seeking this special place where it's said true love can be found. Lovers spawned on Tuft Mountain. वहीं से तो जाके आए हम लोग।
But you look like you're probably already popular with the ladies, so maybe that's not where you're headed. बहुत सही बोला ये, because we are a pro player. हम लोग को किसी की जरूरत नहीं है, हम सब चीज में प्रो है. समझ गया मैं. टफ्ट माउंटेन पे है ये हट वाला पॉन्ड जहाँ से हम लोग आए थे. लेट्स सी, एक मिनट, कहाँ गया? नहीं नहीं ये, ओ ओके, सो टफ्ट माउंटेन कहीं और है. सो मैं जैसे मैं बोला था वैसे ही हुआ फिर, क्योंकि येरा ओ गाइस, मैं एग्जैक्टली यही चीज बोला इस एपिसोड के बिगिनिंग में कि दो होने चाहिए, एक टूटा हुआ और एक ना टूटा हुआ. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. मेरे को नहीं पता था इस चीज के बारे में कि एक्चुअली ऐसा है, बट मैंने सिर्फ गेस लगा दिया. बट इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं प्रो प्लेयर हूँ, मेरे को सब पता है. मेरी बात सुनते नहीं हो तुम लोग, बट नाउ यू सी, ये प्रूफ है मेरे प्रो प्लेयर होने का. ठीक है, सो या वही चीज बतानी थी आप लोग को. अब मेरी जिंदगी सफल हो गई. ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब. नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं. लेट्स सी और क्या है यहाँ पे. ये क्या कह रही है आंटी? आर यू अ सब लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि ट्रैवलर. This is Lurelin village. We are a small fishing town and proud of it. My husband is a fisherman and I have two sons who will probably grow up to be fishermen too. Isi random information random insaan ko de rahe hai log. What should I cook for tonight's dinner? Iska bachcha hai ye. Make your seafood paella. It's so good and yummy and great. Paella. That settles it. I'll make some seafood paella. Yeah. Nice. We seem to be a bit short on ingredients though. We'll need goat butter and a hearty blue shell snail. I'm so busy with housework that I don't have time to go shopping for ingredients. Aisa. Oh, I know. Could you go and get me the ingredients we are missing? Sure. Really, I'm happy to hear that. I'll be waiting. सो आई थिंक मेरे पास ये दोनों इंग्रेडिएंट्स है. लेट्स सी, एक मिनट रुक जाओ. गोट बटर और हार्टी ब्लू शेल स्नेक. ये रहा, गोट बटर तो मिल गया और दूसरा ये है शायद ऊपर. नाइस. सो ओ, यू हैव द इंग्रेडिएंट्स, कैन आई हैव देम? श्योर. ऑलराइट, आई विल टेक दोस देन. नाउ टू स्टार्ट कुकिंग, हियर इज अ लिटिल समथिंग. पर्पल रूपी, ओके. Since you found the missing ingredients, why don't you eat with us? It'll be done soon. भाई कितने friendly है यहाँ के लोग. Cooking हो रहा है. Seafood paella मिल गया अपने को. Nice. 10 और 2 और, मतलब 12 hearts replenish होते हैं इससे. इतने hearts तो है भी नहीं अभी. Go on, dig in. It's delish. Very nice. So, अब ये तो हो गया, अब क्या करना? ओह, वैसे इसकी रेसिपी दी है, इसको यूज करके हम लोग फिर से बना सकते हैं ये चीज. So, that's nice. Complete. ठीक है, ये तो हो गया. अब सवाल ये बनता है कि next क्या करें? Let me see you guys at the next interesting point. भाई ये घर की चमक तो कुछ अलग ही है दूसरे घरों से. कुछ तो हो रहा है, कुछ अजीब है यहाँ पे. प्लेस योर बेट्स. अच्छा, ये मामला है. गैम्बलिंग शैम्बलिंग हो रही है इस घर में. ओ देयर बॉडी, दोज आरंट योर चेस्ट टू ओपन, बट इफ यू रियली वांट टू ओपन देम, हैव आई गॉट अ डील फॉर यू. हाय हाय, क्या शक्ल है इसकी. मूछ बहुत जोरदार बनाई है इसने. कम हियर, नो क्लोजर. हाउ डू यू लाइक टू बी रिच विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट? लिंक चौक हो गया. लिंक इज लाइक, क्या बोल रहे हो तुम? Hey, simmer down. I'm not talking about anything illegal here. okay. What are you talking about, my friend with a good mustache? See those treasure chests over there? What do you say to a little wager on them? What do you? The idea is to pick any chest you want and open it. Simple, right? The best part is, whatever chest you open, you get all the money inside. Of course, only one chest is worth opening. Don't come crying to me if you pick wrong. Before you go opening any boxes, you'll have to show me what it's worth to you. What's a bet after all if you don't stand to lose a bundle on it? That's the part that really gets a man's heart racing. Badi badi baatein kar rahe hai bhai saab. It's up to you how much you want to throw in, but the more you bet, the more you stand to win.
A man like you must have expenses. Couldn't hurt to make some quick cash. Right here, right now. Am I right? You are very right, my friend. What do I say? All you got to lose is your pride and your money. करते हैं भाई, करते हैं क्या जाता है अपना, अपने पैसे तो है नहीं। अट्टा बॉय। Now for the million rupee question, how much are you betting? 10 rupees, 50 rupees, 100 rupees? Okay, 10 rupees. Just dipping a toe in the water, eh? Probably smart. I'll go get set up. No peeking while I'm fiddling with the chess. Got it? Yes, my friend. There we go. Step right up and take your chances. Take all the time you need to choose the chest to open. Look, listen, smell, taste them if you think it will help. ठीक है भाई, चलो अपना जादू दिखाने का टाइम आ गया अब. Let's see कि इधर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार. मेरे को पक्का पता है कुछ गड़बड़ है. कौन सा ओपन करे, कैसे डिसाइड करे? मैं सोच रहा हूँ कि मैग्नीसिस या स्टेसिस से कुछ दिख सकता है क्या. Let's see. मैग्नीसिस में कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्टेसिस में भी कुछ नहीं दिख रहा है. बड़ी ही सफाई से उसने काम किया है उल्लू बनाने का. लेट्स सी, ये वाला खोल के देखते हैं क्या मिलता है अपने को. ग्रीन रूपी, एक रुपया मिला भैया, उल्लू बन गए हम. बहुत ही सफाई से उल्लू बना दिया इसने. देम्स द ब्रेक, बट हे श्योरली यू विल विन बिग नेक्स्ट टाइम. यू गोना कीप गोइंग राइट, और डू यू एडमिट डिफीट? आई मीन माय फ्रेंड, हम कभी हार नहीं मानते, बट इस बार मान ली. Lady Luck has no time for a man who won't take any chances. पता नहीं सब लोग Lady Luck और Lady के बारे में क्यों बात करते हैं. Suit yourself, but if you ever feel like trying your luck, I'm always here. नहीं भाई, मैं अपने आप खुश हूँ. मैं without trying any luck, I'm very happy. और इसी happiness को continue करते हैं और मिलते हैं next interesting point पे. ठीक है? Okay guys, यहाँ पे बारिश होने लगी तो मैंने Zora's outfit पहन लिया, because why not? बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक और चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं तुम लोग को. बात हो रही थी लेडी लक की, तो मैं बताता हूं तुम लोग को कि लेडी लक क्या होता है. लुक एट दिस पर्सन इज अ लेडी, सो आई एम लकी विद द लेडीज. कितने लाल बाल है वैसे इस लेडी के. हेलो लेडी, ऊफ द रेन इज द वर्स्ट, इट रियली मेक्स मी मिस होम. वेर इज होम? आई ग्रू अप इन गरुड़ो टाउन, इट्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय अ डेजर्ट, इट नेवर रेन्स इन द डेजर्ट. I thought it was neat at first, but now I'm pretty sick of the frequent rain. ठीक है? अरे बात खत्म भी हो गई इसकी. Okay, I like rain. What a weirdo. Okay, I was very lucky with the lady. ठीक है, उसकी बात सही थी शायद. Lady luck शायद मेरे नसीब में नहीं है इस वक्त, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वक्त. और let me meet you at the next interesting point. ठीक है guys, बारिश बंद हो गई और देखो मुझे कौन मिला. ये भाई साहब प्रो बंदे है, बहुत बड़े प्रो, मेरे से भी बड़े प्रो. देखते हैं इनकी प्रोनेस, देखते हैं. लुको एक मिनट दिखा दो. लुक एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग दैट ही इज मेकिंग. भाई साहब थोड़ा साइड में हटो ना प्लीज. लेट मी लुक एट योर पेंटिंग प्लीज. देखो पोज, देखो इनका, देखो. आय हाय, तीन ब्रश एक साथ लेके पेंट कर रहे हैं. ये हमारी और तुम्हारे बस की बात नहीं है. ठीक है, ही इज सुपर प्रो. Anyway guys, let's talk to him. The gorgeous ocean and those who live in harmony with it, words alone can't describe such exquisite scenery. Itne pro hai ki bade bade words fikte. Hey, we meet again. Are you out traveling as well? I've traveled all over the world, so I'm happy to tell you about new places if you want. Are sir, badi meherbani aapki. Do you have a picture to show me? Let's see it already. Theek hai bhai, dekh lo, khush ho jao. मतलब लिंक को बोल रहा हूँ, कुछ हो रहा. ओ यस, दिस इज हायरूल कैसल. इट अपीयर्स टू बी अ व्यू ऑफ इट फ्रॉम बिफोर द कलामिटी. रादर देन द कैसल, इट फोकसेस ऑन द सराउंडिंग क्लॉयस्टर्स. व्हाट अ फैसिनेटिंग कंपोजिशन फॉर अ पिक्चर. क्या बात है भाई. हूएवर लेफ्ट दिस पिक्चर बिहाइंड, आई फील लाइक दे वर ट्राइंग टू कन्वे समथिंग स्पेशल टू द व्यूअर. वैसे एक बात देखिए आपने, इसकी जो चोटी है वो भी ब्रश के शेप की है. इतने प्रोबंध है ये, मतलब डेडिकेशन. दिस इज वॉट डेडिकेशन मीन्स. ये तुम्हारे मेरे बस की बात नहीं है. एनीवे गाइस, लेट्स सी. ये वाला जो मेमोरी था वो तो कैसल में है, तो वो जब कैसल में जाएंगे तब करेंगे. एनीवे, लेट मी सी यू गाइस एट द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट. सुहाना सफर और ये मौसम हसी. बहुत ही सही सनराइज है और सामने एक बंधु लोग का कैंप है, और इस टाइम एक चीज टेस्ट करने का बहुत ही सही टाइम है. पता है तुम लोग को कौन सी चीज? ये चीज, मुकाबले वाला मास्क.
बिकॉज वाई नॉट, मुझे देखना है कि कैसे रिएक्ट करता है वो, बिकॉज मैंने ये कभी नहीं देखा है. सो लेट्स सी, उसने देखा मेरे को. हेलो हेलो माई फ्रेंड, क्या कर रहे हो तुम? मैं आया घर पे वापस. कहाँ देख रहे हो तू बेटा? हाँ देखा उसने मेरे को. आजा बेटा आजा, तुम्हारा पिताजी आ गया. आजा तू भी आजा. तीनों लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे. ये लोग सोच रहे हैं कि यार ये दिख तो हम जैसे ही रहा है, बट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इट्स समथिंग इज नॉट राइट. देखो तीनों को सूंघ रहे, तीनों सीने लाके देख रहे. ओके आजा बच्चा लोग, फॉलो मी, मैं दिखा दो तुम लोग को कि तुम लोग की सही जगह कहां पे है. आजा. लिंक की एक्टिंग वैसे बहुत सही है. पोज देखो बंदे का, डेडिकेशन देखो, वो प्रो पेंटर से सीख के आया ये डेडिकेशन. मतलब कुछ तो फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का. करे गैस, अभी ये लोग को कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ बातें कर रहे हैं अंदर अंदर. कहीं को पता तो नहीं लग गया कि मैं लिंक हूं. नहीं यार, इतनी तो अक्ल नहीं लग रही इन लोगों में. इतनी अक्ल होती इन लोगों में तो कब के राज कर रहे होते हायरूल पे. करेक्ट गाइस, बट आई वांट टू थैंक किल्टन कि उसने एक पिताजी को अपने बिछड़े हुए संतानों से मिलवा दिया वापस. एनीवे गाइस, लेट्स सी कि ये लोग अभी भी पीछे आ रहे हैं मेरे. हेलो आ जाओ, मैं तुम लोग को ले चलता हूँ. मैं मार्गदर्शक बनता हूँ तुम लोग का. मुझे बोलना भी नहीं आता ठीक से, बट ठीक है. इन लोग को कहाँ पता चलने वाला है कि मुझे बोलना नहीं आता है. ये लोग तो शांति से अच्छे बच्चे बन के मेरे पीछे पीछे आ रहे. अब सवाल ये बनता है कि अगर इनके पिताजी डूब जाए तो ये लोग पीछे पीछे डूबने आएंगे क्या? लग तो रहा है कि आएंगे. ओ भाई वो भाग गया, वो दोनों भाग गए. किसने पत्थर किसने मारा? ये तू एक आ रहा है, तू आ जा, तू आ जा, तू पत्थर की चिंता मत कर तू. अरे यार ये इतनी मेहनत करके मैं इन लोगों को इधर लेके आया, कौन मारा? कौन मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आ रहा है? तू आ रहा है, रुक जा, मैं तेरे को बताता हूं, रुक जा. इतने सालों बाद मैं मेरे बच्चों को मिला था, उनको मार्गदर्शन देने का मौका मिला था, और वो मौका तूने छीन लिया. रुक जा, तू एक मिनट रुक जा. बड़ा स्टाइल मार रहा है, पानी के बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर. ये कौन आ गया भाई? यार पत्थर कौन है ये? तू है? तेरे को भी बता दो, आजा. पर दूसरी बार पत्थर लगा उसकी तेरी वजह से. अब तू आ, अब तेरे को दिखा दो, आजा. बड़ा आया पत्थर मारने वाला, मेरे पास भी तीर है तेरे. या एक्चुअली इसको शूट करना बहुत डिफिकल्ट है. गया फाइनली, नाइस. जोरा गियर पहन के उसके पार्ट्स लेके आएंगे हम. बता देना पूरी दुनिया को कि यही हश्र होता है जब कोई मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आता है. एनीवे गाइस, लेट मी सी यू गाइस एट द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट. ओके गाइस, हम लोग वापस आ गए लुरेलिन विलेज में, और एक बार और हम लोग हमारा लेडी लक ट्राई करते हैं. सवाक, द वेदर हियर इज नाइस एंड वार्म, इट्स नॉट एट ऑल लाइक द ब्लेजिंग हीट इन द डेजर्ट. आर यू हियर ऑन वेकेशन? सब लोग पूछते हैं. नहीं, आई एम नॉट, बट डेजर्ट. I came here from Gerudo town. Ha, okay. I understood. Expansive desert. The isle far off the shore to the east is called Eventide Island. Kya? Desert mein island kaise? It was tales of that island that brought me all the way. Oh, yahan pe. Okay. Samjha. However, it's actually hard to get there by sea. It feels like you'd need to grow wings to go there. So, let's see ye kahan pe padta hai. Far off the east. I think yera? Eventide Island. नाम तो कहीं और लिखा नहीं है, मतलब कहीं लिखा नहीं है. ये तो कुछ और ही है, टेनोको आइलैंड. सो फार ऑफ द ईस्ट में तो सिर्फ ये नहीं, ये वाला तो कुछ और ही है. वो तो उस दिन देखा था हम लोगों ने, टिंगल आइलैंड और वो सब है. सो आई डोंट नो, मे बी नहीं, मुझे लगा ये थे, बट यहाँ पे तो मैं जाके आया, ये नहीं है. सो फार ऑफ द ईस्ट में तो फिर यही है, यही होना चाहिए फिर. Eventide Island जाएंगे किसी दिन वहां पे. If only I had some wings. Okay, I understood. So उड़ के जाना पड़ेगा वहां पे, मतलब ग्लाइड करके जाना पड़ेगा obviously. तो देखना पड़ेगा कहां से जा सकते हैं हम लोग. एनीवे गाइस, आज का एपिसोड एंड करें उसके पहले एक और चीज करनी है. टफ्ट माउंटेन जो है उसके ऊपर जो हार्ट वाला लेक है वहां पे मुझे जाना है. सो आई विल गो देयर एंड आई विल सी यू गाइस ओवर देयर. ठीक है गैस, लेक पे हम लोग आ गए. और ओ हेलो लेडी लक इज ओ दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन. सवाक, आर यू, कुड यू बी द वो आई एम डेस्टिन टू मीट? नो, आई डोंट थिंक सो, बट देन द
This is the pond of legend, is it not? The one where a person finds true love. Badi sahi hairstyle hai yaar iski. Yet all I see right now is that strange wo on the other side of the pond. Could I be at the wrong one? Nahi, pond wrong nahi hai, wo wrong hai, wo main hoon. Well, that wo over there doesn't seem so bad, but I was always told not to make the first move. I think inke language mein wo matlab guy ya man. But all he's doing is looking over there, then quickly looking away. Does he have no idea what to do next? I'm telling you, man, wo sahi nahi hai, main wo sahi hu. But wo wahan pe hai, to wo se jaake baat karte hai. Hello, wo, ooh la la, hey, I'm trying to work up the courage to talk to her. Just let me, yeah? Hum log to competition karne wale bhai. Nope, rival time. I won't let you stand in the way of my destiny. Okay, my friend. Teko jo karna hai kar le beta. Nahi main baza karu. No problem. I'm so glad. Oh, by the way, my name is Wobbin. To be honest, I lost my way earlier. Okay, my friend. Wobbin. I closed my eyes for a minute, and when I opened them, the most beautiful woman I've ever seen was standing before me. At first, I thought I was dreaming, or that she was a ghost or something. Uske lal baal dekh ke koi bhi aisa sochega. I mean, it's not every day you run into a gorgeous woman in the middle of nowhere. But figment of my imagination or not, it was love at first sight. Us bichare ko to pata bhi nahi ki itna pahunch gaya aage. And so I've decided to gather my courage and go confess my feelings to her. I decided long ago that when I meet the girl of my dreams, I'll hand her a blue nightshade and confess my love. If I had a blue nightshade, I'd head straight over to that woman. I mean, imagine her and a blue nightshade. Sahi lagega, matlab lal baalon ke saath blue nightshade, correct guys? That would make a beautiful scene, don't you think? A gift of nightshade. Apne paas hoga shayad nightshade, ek minute. Haan, ye raha, bahut saare. Okay, my friend. Wobbin, tu chinta mat kar. Mere paas bahut saare nightshade. Dost, agar dost ke kaam nahi aayega, to kaun aayega? Even though I don't even know you, I can't tear my eyes away from her. I want to talk to her, but I don't know, I don't have anything worthy of being a gift. If only I had a balloon. Kyun ro raha hai itna ye? De to diya isko. Dekhna bhai, tere pair ke upar pada hai. Kamal hai yaar. Oh, the smell of it. I can almost imagine it right now. It's so clear. Almost like it's... Ab isko pata chala. Wait, do you have some blue nightshade on you right now? Yaar, itne manbuddhi to wo goblin bhi nahi the. Please, you must give me that flower. It couldn't be more important. De diya maine, get your own. But please, I beg of you. She is the girl of my dreams. I know it. I'll pay you back. Just please, get your own. I'll need to leave this place if I want to find any blue nightshade. But if I go, she might leave too. Yaar, ye baat to sahi hai. Ye baat maine sochi nahi. Le le bhai, tu le le. Nahi, okay. Yeah, I understand. मैंने पढ़ लिया है, मैंने ये सब मेरे को नहीं पढ़ना है वापस. डू यू हैव? यस, आई डू हैव अ ब्लू नाइट शेड इफ यू से सो. अब निकला मैंने पॉकेट में से. थैंक यू, दिस इज सो परफेक्ट, इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड. ओह ला ला. ओके, आई जस्ट व्हेन आई लुक एट हर माय लेग्स फ्रीज अप, माय थ्रोट गोज ड्राई. आई कांट डू इट. प्लीज कुड यू टेक माय गिफ्ट टू हर? I suppose I can understand your hesitation. Itna bhi khud nahi karta hai. Though I think that my blue nightshade will have dried out and died before I find the nerve to do this myself. Okay, sabse pehle to ye mere ko wapas de. Ye tune liya nahi, main itne shiddat se tere ko diya aur tune liya nahi. De mere ko. Anyway guys, so I think ab mujhe wapas usko dene jana padega directly blue nightshade. So do you have anything else to say, my friend? Wobbin? If there is no way for me to win her heart, then I hope to at least burn the memory of her beauty into my mind forever. Bada hi dukhi aatma hai ye. Bahut ro raha hai. Ooh la la. I can't give up, but I also can't get my legs to move. I beg of you, please fulfill my one wish in this life. It can be my wish in the next life too, if that helps. I don't care, man. I don't care. Just please give the blue nightshade to her for me. Sure. Thank you. I'll give you back this blue nightshade. Okay, finally. Oh, and don't forget to mention it's a present from me. Awkward. ठीक है, ये काम कर लेते हैं अब. और क्या, लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए करने के लिए.
बिकॉज माई लेडी लक इज डाउन द ड्रेन. मतलब मीफा इज डेड, तो व्हाट कैन आई से. व्हाट्स दिस, अ गिफ्ट फ्रॉम दैट गाय. समझा रहा है लिंक बहुत सही से. टेक योर टाइम लिंक, कोई जल्दी नहीं है. आई सी, सो यू आर डिलीवरिंग दीज फ्लावर्स फॉर दैट वो ओवर देयर. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग मैम, बिकॉज आई एम फॉर एवर अलोन. करेक्ट गाइस, आई डोंट सेंस एनी डिसीट फ्रॉम यू. डिसीट माने धोखा. एक फूल देने में क्या धोखा. इतनी जल्दी इधर भी आ गए लोग. ओके, सो यू आर द वन हु गेव मी द फ्लावर्स. गुस्से में लग रही है. Eek, I'm sorry. okay. Could it be that you don't like blue nightshade? Kya ho gaya is bande ka? Why would you say that? This is my favorite kind of flower. How did you know that anyway? Are you a Yiga spy? No, that's not it. Okay, my friend. Blue nightshade just happens to be my favorite flower. Long ago, I decided to give my true love this flower. Okay. Your true love? So this is what they call destiny. You are the one that destiny has chosen for me, then. Alright, go ahead and speak your piece. Teri gaadi chal padi bhai. What do you mean? No, that's not right at all. I'm talking about what a woe says to a why. You know what she's talking about, guys, correct? What? इसको अभी भी पता नहीं चल रहा है. You know, something like, I like you, or please go out with me. Oh, sure. Asking so directly, how could I possibly say no? What? Link सुन रहा है कड़े कड़े बातें हमारी. Oh, wow. Did you hear that? She said she likes me, and she wants to go out. This is the first time anyone has ever said they like me. And for it to come from the woman of my dreams, this is such an amazing feeling. बहुत बड़ी misunderstanding हो रही है. I'm so glad I was born into this world. Bye. There's no way I can truly thank you, but please take this as a token of my thanks. रुपी 20 रुपए मिले मिलके. What? That's it? That's all you're willing to offer him for everything he has done for you? Sahi mein yaar. No, of course not. Here, this is what I meant to give you. Silver rupee, okay. That's, now we are talking. Much better. Nice. Hey, you. I guess I owe you too. I hope you have as much luck finding someone as I did. Thanks to you. You're welcome, my lady. You're welcome. Gift of a nightshade complete. 120 rupees. I may have gone a little overboard. Could you return? Hey, I can hear you. You should follow through on what you say you're going to do. Yeh shaadi bahut lambi tikne nahi wali. Anyway, guys, let's talk to her again. Getting a present from a woe made me much happier than I thought it would. Huh? Oh, you're still here. I really owe you for helping out my woe. It's true that he's more than a bit more on the shy, nervous side. That's nothing a little push in the right direction can't solve, though. I hope you get to meet your true love soon, like I did. ठीक है गाइस, ये तो हो गया. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ब्रोकन हार्ट वाले लेक के पास जो इंसान था उसका क्या हुआ. बिकॉज ये लोग तो मिल गए बट उसको कोई मिला कि नहीं. दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग. बट एनीवे, आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं. ये थोड़ा सा लंबा हो गया कंसिडरिंग कि इसमें स्टोरी का कुछ नहीं था. बट आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड और हम लोगों ने बहुत मस्ती की इस एपिसोड में. सो अगर आप लोग को मजा आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप लोग नए हैं और ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे कोरॉक फॉरेस्ट में और वहाँ पे जाके मस्टर स्पोर्ट लेने का ट्राई करेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ मीट मी इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.